नमस्कार, एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल SHVM बापूनगर पर आपका स्वागत है। आज हम RBSE क्लास 10th विषय गणित के गणित की इस क्लास में मॉडल पेपर को हल करेंगे, जो पूर्णतः बोर्ड की ब्लूप्रिंट पर आधारित है। इसलिए इस क्लास को भूलकर भी मिस ना करें तथा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट तुरंत मिलते रहे। आज हम जो मॉडल पेपर हल कर रहे हैं उनका पहला सेक्शन है ए, खंड अ। चार भागों में बांटा हुआ है पेपर को, सेक्शन ए बी सी और डी। सेक्शन ए जो आपका है उसमें 10% पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में 5%, सेक्शन सी में 10% और डी में 5%। इस तरीके से टोटल 30% पूछे जाते हैं। सेक्शन ए का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, सेक्शन बी का प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, सेक्शन सी का प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और सेक्शन डी में प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो सबसे पहले सेक्शन ए, 15 का घनफल ज्ञात करना है। वैदिक गणित का उपयोग करेंगे तो कौन कौन से सूत्र से हम घनफल ज्ञात कर सकते हैं, तो उनमें निखिलम, एकाधिकेन, और द्वंद्व, और भी बहुत सारे सूत्र हैं जिससे हम इसको हल कर सकते हैं। वैसे निखिलम और द्वंद्व तो आसान है, लेकिन थोड़ा एकाधिकेन डिफिकल्ट है, तो एकाधिकेन से करवा दूं। वैसे आप परीक्षा में तीनों में से किसी का उपयोग करके इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहां से 15 का घन बराबर में होगा दाई अंक का स्क्वायर, तो दाई अंक क्या है 1, इसका स्क्वायर गुणा दाई अंक का एकाधिकेन, दाई अंक 1 का एकाधिकेन / दाई अंक का स्क्वायर, दाई अंक का स्क्वायर गुणा विचलन। विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, 3 गुणा इकाई अंक क्या है 5 -10 / 3 गुणा दाई अंक गुणा इकाई अंक का स्क्वायर / इकाई अंक का घन। ध्यान रहे जो आपका विचलन है वो क्या होता है, 3 गुणा इकाई अंक -10, इस तरीके से ज्ञात करते हैं। देखिए यहां से 1 का स्क्वायर 1, 1 का एकाधिकेन 2 / 1 का स्क्वायर 1, 5 और 3 का गुणा 15, 15 - 10 = 5 / 3 गुणा 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। अब देखिए यहां से 2 और 1 का गुणा 2, 1 और 5 का गुणा 5, 25 और 3 का गुणा 75 और 125। अब प्रत्येक खंड में 1 अंक रहना चाहिए, इसके लिए या तो प्रत्येक खंड में 1 अंक रखने के लिए 12 को यहां से यहां ले आएंगे और इसमें जोड़ देंगे, फिर यहां जो संख्या आएगी उसका 1 अंक रख कर बाकी को छोड़कर यहां ले आएंगे, इसमें जोड़ देंगे, इस तरीके से कर देंगे, या फिर आप इस तरीके से योग कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए 125, उसके नीचे जो संख्या लिखी जाएगी उसका इकाई अंक ऊपर वाली संख्या के दाई अंक के नीचे आएगा, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 2, इस तरीके से आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 7, 5, 12 और 13 और 1 81 ले हो गए 3375, ये हो गया आपका उत्तर। देखिए x+1 x+9 = x+3, x+3 एक प्रकार का समीकरण है, इसको हल करना है वैदिक विधि से। किससे ज्ञात हल करना है, वैदिक विधि से। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए वैदिक विधि में 2 विधि सूत्र बटे थे हमने, सूत्र परावर्ती योजते और शून्य साम्य समुच्चय। तो ये शून्य साम्य समुच्चय से होगा। यहाँ पर आप स्वतंत्र पद देख पा रहे हैं, स्वतंत्र पदों का मतलब होता है अचर पदों से, अचर पद है 1 और 9 और बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का, इसलिए 1 और 9 का गुणनफल कितना आएगा 9। इसी प्रकार यहाँ स्वतंत्र पद है 3 और 3, इनका भी गुणा कितना आएगा 9। तो दोनों पक्षों में स्वतंत्र पदों का गुणनफल समान है, इसलिए हमेशा x का मान क्या होगा 0। जब भी स्वतंत्र पदों का मान दोनों पक्षों में समान हो तो शून्य साम्य समुच्चय के अनुसार चर का मान 0 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में स्वतंत्र पदों के गुणनफल क्या है, समान है, अर्थात x जो है आपका क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया होगा, जब भी स्वतंत्र पदों का गुणनफल समान हो या स्वतंत्र पदों का योग समान हो
दोनों पक्षों में, तो जो चर है उसका मान हमेशा शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर तीन, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए यहां से, वैसे दोनों का अंश, दोनों की जो दोनों जो संख्या है उसका घात है, पावर जो है वो समान है, इसलिए इस दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर ही होगा इकाई अंक, यानी 6 माइनस 5 एक ही होगा। लेकिन इसको हम स्पष्ट करने के लिए n का मान पुट करके भी देखते हैं। तो देखिए 6 की घात n माइनस 5 की घात n, यहाँ पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, इस तरीके से आप जांच करने के लिए 4, 5 जितना भी चाहो पुट कर सकते हो। तब क्या हो जाएगा, 6 की घात 1 माइनस 5 की घात 1, यानी 6 माइनस 5 बराबर 1। फिर पुट किया 2 तो हो जाएगा 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और अंतर आ गया 11। तथा अंतिम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो 6 की घात 3 माइनस 5 की घात 3, 6 का घन 216, 5 का 125 और अंतर आ गया 93। 6 माइनस 5 1 और 11 में से 2 9, 1 में से 1 0। तो इस तरीके से आप तीनों संख्याओं में देख सकते हैं इकाई का अंक क्या है, 1। अतः इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक है वो होगा 1, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से एंगल दिए हुए कोण दे रखे हैं, इन कोणों के मान आपको ज्ञात पता होना चाहिए मान। तो मान पता नहीं है, याद नहीं है, तो आपको टेबल बनाने के लिए बताया होगा। यदि नहीं आ रही है बनानी तो मैं सिखा देता हूं आपको, ध्यान देना थोड़ा। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट सेक और कोसेक, इन थीटों के मान ज्ञात करने हैं और इनमें एंगल लेना 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, देखिए आसान सा तरीका है बनाने का, थोड़ा ध्यान दिया तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से, अब देखिए यहां से, सबसे पहले 0 से 4 तक आपको संख्या लिखनी है। क्या करना है, 0 से 4 तक संख्या लिखनी है, प्रत्येक में 4 का भाग देना है, प्रत्येक में 4 का भाग देना है, फिर उस सभी का क्या निकालना है, वर्गमूल। देखिए यहां से 0 में 4 का भाग 0, 0 का अंडर रूट 0, फिर उसके बाद में 1 और 4 में भाग जाएगा नहीं, तो 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, 2 और 4 से कट गया ये 1/2 बार, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट निकलता नहीं, 3 और 4 में 3 का अंडर रूट निकलता नहीं, 4 का अंडर रूट 2, 4/4 1 हो जाएगा और 1 का अंडर रूट 1। ये आगे आगे साइन के मान, तो साइन के मान आए 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। अब इसको यहां से स्टार्ट कीजिए तो कॉस के मान हो जाएंगे, पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और फिर 0, ये हो गए आपके कॉस के मान। अब हमें ज्ञात करना टेन, आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन बटा कॉस, साइन के मानों में कॉस के मान का भाग देना है, 0 में देंगे भाग 1 का तो आ जाएगा 0, 1/2 में देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा गुणा में, क्योंकि भाग देंगे तो इसको उल्टा लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 ऊपर रह जाएगा, हर में अंडर रूट 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। ऐसे भाग देना, देखिए भिन्न वाला हो तो 1/2 में भाग देना किसका, √3/2 का, तो इसको उल्टा लिखो, 2/√3, 3√3/2 था तो 2/√3, 2 से 2 कट गया, ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया √3, इस तरीके से आ गया समान, 1/√2 और 1/√2 समान है, भाग देंगे स्वयं में स्वयं का, तो 1 √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो उल्टा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर रहेगा √3, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं लिखने का, और 1 में 0 का भाग देंगे तो इनफाइनिट आ जाएगा अपरिभाषित। इसको लिख दीजिए पुनः, यहां सर्व कीजिए तो कॉट का मान आ जाएगा, ये हो गया आपका कॉट, ये आपका कॉट हो गया। अब हमें याद करना है sec, sec आप जानते हैं sec बराबर होता है sec थीटा बराबर 1/cos, अर्थात sec किसका व्युत्क्रम होता है, cos का, तो 1/ कोस का मान लिखना है, 1/cos, तो कोस का मान 1, तो 1/1 यानी 1, 1/√3/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2/√3, 1/1/√2, √2 चले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा √2, 1/1/2, 2 चले जाएंगे ऊपर हो जाएगा 2,
और एक बटा जीरो, जीरो का भाग कभी इस संख्या में जाता नहीं, तो इनफाइनिट अपरिभाषित। सबसे पहले उत्तर से शुरू कीजिए, तो ये हो गया इनफाइनिट, ये हो गया दो, ये हो गया अंडर रूट दो, ये हो गया दो बटा अंडर रूट तीन, और ये हो गया आपका एक। इस तरीके से ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अब इनमें आपको मान चाहिए साइन साठ का, ये पड़ा अंडर रूट तीन बटा दो, कॉस तीस का अंडर रूट तीन बटा दो, साइन तीस का एक बटा दो, और कॉस साठ का एक बटा दो मान रख देंगे, और जो भी हल है वो कर लेंगे, आपका मान ज्ञात हो जाएगा। इसी तरीके का अन्य कोई भी प्रश्न आए, इन टेबल में से इन मानों का उपयोग आप करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि ये टेबल बनानी आपको आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया है। मेरे को विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए टेबल बनाना सीख लिया। अब मान रखेंगे साइन साठ का, मैंने अभी का दिखाया था आपको टेबल में, अंडर रूट तीन बटा दो, कॉस का मान, कॉस तीस का मान भी होगा अंडर रूट तीन बटा दो, साइन तीस का मान एक बटा दो, और कॉस साठ का मान एक बटा दो। अंडर रूट तीन और अंडर रूट तीन अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा होगा। अंडर रूट तीन का और अंडर रूट तीन का गुणा तीन, दो और दो का गुणा चार, एक और एक का गुणा एक, दो और दो का गुणा चार, एलसीएम आपका चार आ गया। हर समान है इसलिए अंशों का योग कर दो, सीधा ही तीन प्लस एक चार बटा चार बराबर आपका उत्तर आ गया एक। क्वेश्चन नंबर पांच, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसके छाया की लंबाई का अनुपात एक अनुपात अंडर रूट थ्री हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कोण एवं ऊंचाइयों से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए अनुपात किसका दे रखा है, छड़ की लंबाई और उसके छाया। छड़ की लंबाई का मतलब यहां ऊंचाई से है और छाया का मतलब यहां आधार से है। तो लंबा ऊंचाई और आधार यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होगा एक बटा अंडर रूट थ्री, क्योंकि यह है ऊंचाई का अनुपात और यह है आधार का अनुपात। तो दोनों को लिख दिया। अब देखिए यहां से टेन थीटा बराबर अपने को थीटा ज्ञात करना है, तो इसको भी टेन में बदलेंगे ताकि टेन से टेन कटे और थीटा का मान आ जाए। तो एक बटा अंडर रूट थ्री है वो टेन में किसका मान होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, जो कि पिछले प्रश्न में मैं बता चुका हूं। ये मान होता है टेन तीस का। अब देखिए यहां से 10 से 10 कट गया गुणा में था, इसलिए या गुणा में 10 इधर जाएगा भाग में, तो 10 बटा 10 10 से 10 कट जाएगा और यहां बच जाएगा थीटा, थीटा बराबर आपका उत्तर आ गया 30। सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। उस बिंदु का बिंदुपद क्या होगा जो त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ है। तो देखिए यह हो गया आपका त्रिभुज, और आपको पता होना चाहिए कि जो शीर्षों से संतुष्ट होगा वो भुजाओं के लंब संधिभाजकों का संगामी बिंदु होगा। लंब संधिभाजकों के संधिभाजकों का संगामी बिंदु, ये तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजक हैं, तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजक हैं। इनका जो लंब संधिभाजकों का संगामी बिंदु ओ है, तो ओ से ए की दूरी, बी की दूरी और सी की दूरी का बिंदुपद ज्ञात करना है हमें। तो यहां से देखिए भुजाओं के लंब संधिभाजकों के संगामी बिंदु को कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिकेंद्र। तो उस बिंदु का बिंदुपद क्या होगा जो त्रिभुजों के शीर्षों से समदूरस्थ है, उत्तर है परिकेंद्र। ठीक है, दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका हो गया वृत्त, दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए ये होगी आपकी जीवा, ये हो गया वृत्त का केंद्र, और इस जीवा की जो केंद्र से दूरी है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, और आपकी त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो होगा ये हो गया ए, बी और ये हो गया सी। देखिए यहां से आप जानते हैं कि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा का लंब संधिभाजन करता है, जीवा का क्या करता है लंब संधिभाजन। तो यहां से लिखेंगे केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को संधिभाजित करता है, संधिभाजित करता है, अर्थात
एसी बराबर बीसी। अब देखिए यह त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए सी में बोधायन परिमेय से, बोधायन परिमेय से क्या हो जाएगा एसी, क्या याद करना है हमें एसी स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। ध्यान दें करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए यहां से AC बराबर OA दे रखा है 10 का स्क्वायर और ये दे रखा है 6 का स्क्वायर, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा देखिए यहां से AC स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आया 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 6 का स्क्वायर 36। AC स्क्वायर बराबर 100 में से 36 घटाएंगे तो 0 यानी 10 में से 6 4 और 9 में से 3 6 यानी आ गया आपका 64। यहां से हमें ऐसी ज्ञात करनी थी तो इसको हटाते ही अंडर रूट आ जाएगा 64 का। आप जानते हैं 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का, तो कितने सेंटीमीटर आ गया 8 सेंटीमीटर ऐसी आ गया। अब आप जानते हैं जब इसका संधि भाजन हो रहा है, आप यहां से देख लीजिए समीकरण एक से, समीकरण एक में आप देख लीजिए संधि भाजन हो रहा है तो जो ए बी है अपने को ए बी ज्ञात करनी थी, अतः ए बी बराबर क्या होगा 2AC, 2AC, AC का दुगुना होगा 2 गुना AC का माना गया 8, इसलिए आपकी जीवा आ गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है यदि कोई घटना घटित ही ना हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता होगी 0, क्या होगी 0। कैसे, जब कोई घटना ही घटित नहीं हो रही है तो उसकी कोई कल्पना नहीं होगी, कोई परिणाम नहीं होगा, तो जब कोई परिणाम नहीं होगा तो प्रायिकता क्या होगी 0। एक प्रश्न इस तरीके का भी आता है, इसका उत्तर तो 0 हो गया। एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि प्रायिकता होने की और नहीं होने की, अर्थात कुल जो कुल परिणाम है, प्रायिकता के कुल परिणाम है उनका योग क्या होता है हमेशा 1, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार। ठीक है, देखिए प्रश्न एक, नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 8 रुपए, उसके बाद के 5 रुपए, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर तथा किराया कुल किराया y रुपए है तो इसका समीकरण बनाओ, हमें इसका समीकरण बनाना है। तो देखिए यहां से जो पहले किलोमीटर का किराया है, पहले किलोमीटर का किराया वो है 8 रुपए तथा बाद में किराया है, बाद के जो किलोमीटर है उनका किराया है प्रत्येक किलोमीटर का 5 रुपए तथा तय कुल दूरी जो है आपकी वो है बराबर में 1 किलोमीटर तथा कुल किराया y रुपए। तब देखिए क्या हो जाएगा, पहला किलोमीटर उसका किराया हो गया 8 प्लस फिर किलोमीटर रह गए, टोटल किलोमीटर थे x में से 1 किलोमीटर का किराया आ गया, तो किलोमीटर x माइनस 1 रहेंगे यानी 1 कम, पहले कुल किलोमीटर कितने थे x, उसमें से 1 किलोमीटर निकाल दिया तो x माइनस 1 किलोमीटर रहे और उनका प्रत्येक का कितना किराया है 5 रुपए, तो यह आ गया गुणा में 5। इस तरीके से कुल किराया कितना आ गया प्रश्न अनुसार y, कुल किराया y के बराबर होगा। देखिए पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, तो पहले किलोमीटर का हो गया 8 प्लस शेष के लिए 5 रुपए, तो देखिए कुल किलोमीटर थे x, उसमें से 1 कम हो गया ये वाला, तो x माइनस 1 हो गया और बाद वालों के लिए किराया 5 हो गया, इसलिए गुणनफल 5 हो गया। इस तरीके से कुल किराया आ गया और कुल किराया प्रश्न अनुसार दिया रखा है y, तो बराबर में हो गया y। अब देखिए इसको हल कर देते हैं, 8 और 1 का गुणा 8, 5 और x का गुणा 5x माइनस 1 और 5 का गुणा 5 बराबर में y। अब देखिए यहां से ये हो गया आपका 5x, y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 8, वैसे 5 घट जाएंगे तो रह जाएगा 3 बराबर में आ गया 0। ये हो गया आपका समीकरण, तो इस तरीके से इसका समीकरण बनाना है। ठीक है, देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और उसकी परछाई दे रखी है और ऊंचाई दोनों प्रश्नानुसार दे रखा है बराबर है, तो अपने को उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए जब परछाई और ऊंचाई की बात आए तो आधार और ऊंचाई की बात, जब आधार और ऊंचाई की बात आए तो थीटा होगा टेन, तो टेन थीटा बराबर जो आपकी आधार और ऊंचाई है वो दोनों बराबर है, इसलिए यदि आधार आपका
h ऊंचाई h है तो आधा भी क्या होगा h, इस तरीके से tan थीटा बराबर आ गया 1। अब देखिए यहां से टेबल में 1 है वो tan के अंतर्गत किसका मान होता है tan 45 का, tan से tan कट गया और इस तरीके से थीटा आपका आ गया 45। ठीक है,